महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2023 जहां पर लगा सितारों का मेला। अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने देश के जाने माने लोगों को किया सम्मानित, जिसमें शामिल था सास बहू और बेटियां भी। वैसे युविका चौधरी, शरद मल्होत्रा को भी इस मौके पर महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। के लिए है और आई एम फीलिंग प्राउड कि मैंने अपने मॉम की साड़ी पहनी है अभी इस वक्त। एंड अच्छा लगा है कि ये बहुत ही प्यारा अवार्ड सम्मानित किया गया है मुझे महाराष्ट्र की तरफ से स्पेशली, और बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र में ही रहकर आपको महाराष्ट्र का प्यार मिलता है, तो इस तरह से सम्मानित होकर बहुत अच्छा लग रहा है। यूथ के लिए फैशन टिप यही है कि आप कंफर्टेबल रहें एंड बी योर सेल्फ। बेसिकली आपको कपड़े आपको ना पहने, आप कपड़ों को पहने, आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, आप कुछ भी पहने आपके ऊपर सब अच्छा लगेगा। फैंस के लिए मैसेज कि यही मैसेज है कि जिस तरीके से एंड आई फील आज का यूथ वो है जो आउट देयर है, जो आपके सामने बेझिझक बात करता है, तो इसी तरह बने रहिए जज्बे के साथ और अपने सपनों को जिए, बिकॉज आपको जीवन एक ही बार मिलता है। सो डू नॉट गिव अप, बी अ फाइटर। इंडियन अटायर की एक अलग ही बात होती है, स्पेशली जब आप अपनी मॉम की साड़ी पहनते हो, अपनी माँ की साड़ी पहनते हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत आई एम फीलिंग नाइस। महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। खूब आनंद आणि अभिमान होतो आहे मला आणि रेड अँड्स आणि महासेवांची खूप आभारी आहे। थैंक यू। महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार में आज हमने बहुत लोगों को सम्मानित किया, उनको पुरस्कार दिए। उन्होंने जो भी समाज के लिए उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही हो या उन्होंने जो किया है उसके लिए उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। ऐसे एक अवार्ड में जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और शायद पहली बार ऐसे अवार्ड के लिए मैं के साथ जुड़ी हूँ। उसके साथ साथ ये कहने में मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, अभिमान भी मिल रहा है कि महाराष्ट्र में, ऑफकोर्स मैं जानती हूँ इंडिया इज़ गॉट टैलेंट और इंडिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे लोग हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत काम करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मेरे खुद के स्टेट में जब मैंने इतने लोगों को देखा जो इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मुझे अवार्ड मिलता है, मैं कह सकता हूँ जब भी किसी अभिनेता को अवार्ड मिलता है, तो जाहिर सी बात है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ख़ास करके जब आइकॉनिक एक्टर ऑफ इंडियन टेलीविज़न का के खिताब से आपको नवाजा जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा चौगुनी एक्चुअली बढ़ जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड का जो अवार्ड के जो असली हकदार हैं वो हैं मेरे सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मेरे कैमरामैन, राइटर्स, क्रिएटिव्स, टेक्नीशियंस, क्रू, कास्ट, ज़्यादा तो नहीं बट पिछले 16-17 सालों में जो भी मैं काम कर पाया हूँ ये सब उनके लिए, ये सारे अवार्ड्स उनके हैं। और मैं हमेशा जब आप लोगों से मिलता हूँ, मेरी जो मीडिया फैमिली है, ऐसे ही मौके पर आप लोगों से मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरे सफ़र में बहुत बड़ा आप लोग का हिस्सा रहा है। मैं मानता हूँ कि कर्म भूमि होती है और जन्म भूमि होती है। जन्म भूमि है कलकत्ता से हूँ और कर्म भूमि है महाराष्ट्र, तो मुंबई, और दोनों का महत्व जो है एक समान होता है। यहाँ पर मुझे जितना प्यार मिला है शायद मुझे पूरे विश्व में उतना प्यार नहीं मिला, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जैसा कोई शहर नहीं है, महाराष्ट्र जैसा कोई ऐसा स्टेट नहीं है, मुंबई जैसा ऐसा कोई शहर नहीं है। पूरे विश्व में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हम लोग जब भी मौका मिलता है कहीं शूट करने का, लेकिन जो सुकून, जो प्यार यहाँ मिलता है इस देश में, इस शहर में, वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कुछ खास है, और मैं तो हमेशा आज भी कहता हूँ कि इतना प्यार मिलता है लोगों से, मुझे मुंबई में इतना प्यार मिला है जो कभी सोचा नहीं था कि मुझे कलकत्ते में शायद उतना प्यार ना मिला हो, मैं सच कह रहा हूँ, इतना प्यार मुझे यहाँ मिला है इस मेरी कर्म भूमि में, कि मैं हमेशा जो है
शुक्रगुजार रहूँगा और कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा कि मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। पता नहीं क्या करूँ, लेकिन डेफिनेटली मन में है, भावनाएँ हैं, कुछ करूँ। तो देखते हैं आगे चल के, कुछ अगर मौका मिला तो डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई फील वेरी ऑनर्ड कि महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से मैं सम्मानित हुई हूँ। इट्स अ बिग बिग ऑनर फॉर मी। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सकती हूँ और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर द मोस्ट स्टाइलिस्ट एक्ट्रेस। तो हाँ, इसके साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ जाती कि कहीं पे भी जाऊँ तो क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, सो दैट यू नो यू हैव टू लुक स्टाइलिस्ट एंड प्रिटी। बहुत बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी बच्ची इस रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मम्मी की जो आउटफिट है उसका टैलेंट पूरी मम्मी को जाता है, क्योंकि मम्मी हर साड़ी खुद पसंद करती है, खुद खरीदती है। और बट मेरा जो आउटफिट है, दिस क्रेडिट गोज टू माय स्टाइलिश, क्योंकि शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट आई थिंक कि स्टाइल डिपेंड्स अंडरनीथ कि आपका सोच क्या है, आप अंदर से कितना खुश हो, आप अंदर से कितनी कॉन्फिडेंट हो, that everything reflects from out, like whatever is inside that reflects outside. तो इसीलिए अंदर से confident और खुश होना बहुत ज़रूरी है, and then anybody can look stylish and beautiful. मेरी नज़रों में टॉप फाइव में मैं वही बोलूँगी कि प्रियंका, शिव, एमसी, अर्चना और निमृत। जी देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है हर तरीके से जो इज्जत मिलती है, जो अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, दे शुड ऑलवेज़ बी अप्रिशिएटेड और उनका शुक्रिया करना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे काम को वो इज्जत मिल रहा है। मेरी फिल्म अभी फ़िलहाल फिल है कि मानता नहीं जो है वो हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है, उसने मिलियन व्यूज से ज़्यादा क्रॉस कर दिया। कॉमेडी मज़ेदार फिल्म है, तो मेरी दरख्वास्त होगी आप सबसे कि वो फिल्म देखिए। और मैं खुश हूँ कि महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार ने मेरे फिल्म को या मुझे वो इज्जत दी और मेरे काम को समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे शो को इतना प्यार मिल रहा है, प्लस कैरेक्टर को भी इतना प्यार मिल रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप पहली बार कोई चीज़ लाइफ में कर रहे हो और उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो यस, मैं पहली बार नेगेटिव रोल कर रही हूँ और उस रोल को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं 10 साल पहले कर लेती। आई थिंक हमारी जो टेलीविज़न की दुनिया भी चेंज OTT की वजह से हुई है, हम लोग को फोर्सफुली अच्छा कंटेंट बनाना पड़ रहा है हर चैनल पर। पहले ऐसा होता था कि अगर 10 शोज़ बनते थे उसमें 2 शोज़ ऐसे होते थे जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है। अभी ऐसा हो रहा है कि हर चैनल पे आप देखोगे तो हर चैनल पे ऐसे शोज़ बने जा रहे हैं जो जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है। उसका सारा श्रेय लॉकडाउन को जाता है, सारा श्रेय नेटफ्लिक्स सॉरी OTTs को जाता है। तो भारत रत्न तो सुना है हमने, बट आई थिंक ये पहली बार महाराष्ट्र रत्न अवार्ड्स हो रहे हैं और मी बीइंग महाराष्ट्रन, नॉट मदर टंग, वैसे तो पंजाबी हूँ लेकिन हूँ महाराष्ट्र की, तो मुझे अच्छा लगा सुनकर कि महाराष्ट्र के कुछ लोगों को फेलिसिटेट किया जा रहा है, जो लोग महाराष्ट्र के हैं और यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, और चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी तरीके से हो। तो सुन के अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक के वेरी पॉजिटिव कि चलो कुछ तो मुझे फ़ायदा हुआ महाराष्ट्र का होने से, वरना मैं लोगों को बोलती थी कि मैं बॉम्बे की हूँ तो लोग मुझे बोलते थे नहीं नहीं गाँव कौन सा है तुम्हारा, तो मैं ये बोलती थी मेरा गाँव यही है। सो पीपल यूज़ टू थिंक कि मैं दिल्ली से आई हूँ और झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स दिल्ली के होते हैं। बट पहली बार मुझे लग रहा है चलो बॉम्बे की हूँ और महाराष्ट्र की हूँ तो कुछ तो फ़ायदा हुआ, सो आई एम हैप्पी। थैंक यू। आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं खुद ही रेडी होकर आई हूँ और कल भी अवार्ड्स थे, कल भी हैं, तो आई वॉज वेरी टायर्ड ऑफ डूइंग द होल मेकअप ऑल दैट। तो इसके लिए मुझे साड़ी पहननी थी और आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे महाराष्ट्र बिंदी ज़रूर लगानी है बिकॉज महाराष्ट्र अवार्ड्स हैं, महाराष्ट्र के अवार्ड्स हैं। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 आवर आई जस्ट टुक टू गेट रेडी। यूजली मुझे टाइम लगता है 1.5 से 2 घंटा लगता है रेडी होने में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मुंबा देवी का आशीर्वाद हमेशा से रहा है, तभी मैं मेरी जो कर्म भूमि है मुंबई, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, वहाँ पर अपना नाम कमा पाया हूँ, इतना जिस हद तक पहुँचा हूँ वो फेम और वो प्यार मुझे सबका मिला है,
और वो बिना मुंबा देवी के आशीर्वाद के कभी पूरा नहीं हो पाता। और अभी तो बहुत लंबी जर्नी आगे तय करनी है, बट मैं बहुत आभारी हूँ मुंबा देवी का कि उनका प्यार उनका आशीर्वाद मेरे पर है। सो थैंक यू आई लव मुंबई एंड आई लव महाराष्ट्र। थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और इतनी इज्जत से इतने अच्छे अवार्ड से नवाजने के लिए। थैंक यू। आप बताइए क्या मैं स्टाइलिश लग रहा हूँ? तो मतलब अवार्ड जो मिला है वो सही मिला है। थैंक यू। स्टाइलिश एंड हैंडसम, इसमें मतलब स्टाइलिश लिखा है, सिर्फ साथ में हैंडसम होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। बट थैंक यू और आप सबके इसी प्यार की वजह से ये अवार्ड भी मिला है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। थैंक यू। मैं प्रियंका हो सकती है, स्टैन हो सकता है अपना, और इन दोनों में से कोई भी जीतेगा तो मैं खुश रहूँगा यार। आई वुड रियली बी हैप्पी कि प्रियंका जीते या स्टैन जीते, आई विल बी वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है कि कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत दिग्गजों ने लता जी, आशा जी, किशोरदा, अमित जी के साथ काम किया और लोग प्यार करते, बहुत आशीर्वाद देते, और ये अवार्ड मिलना एक मुझे लगता है बहुत बड़ा सम्मान है और इससे जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, लेकिन बहुत बड़ा दिन है। बहुत ही प्रिविलेज मोमेंट है बिकॉज मैं खुद महाराष्ट्र, मेरी कर्मभूमि है, मैं उत्तराखंड से हूँ और जब यहाँ पर आया था 20 साल पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में, अब तक करियर बनाने, मैंने पढ़ाई भी अपनी महाराष्ट्र में की, पुणे से अपना मैस कॉम की डिग्री ली, फिर मुंबई में आकर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जो कुछ मैं आज हूँ महाराष्ट्र की वजह से हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों का जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा, जिस मंच पर सम्मानित किया। पत्रकारिता एक बहुत ही, मेरे 20 सालों में पत्रकारिता को बहुत ही चेंज होते हुए देखा है, बहुत डायनेमिक फील्ड है। और महाराष्ट्र में पत्रकारिता करते हुए अब 20 साल हो गए हैं, तो मीडिया का जो ग्रोथ देखा है मैंने, जो इतने सालों में हुआ है, तो अगर उसको सम्मानित कर कर मुझे इस वक्त ये जो प्राउड मोमेंट है, ये जो अवार्ड मेरे हाथ में है, आई फील रियली प्राउड एंड रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो कि मैं अच्छा पत्रकार बन सकूँ, सही और सच्ची खबरें अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ, बस यही एक जिम्मेदारी के साथ चाहूँ। महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार का बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया। जो भी लोग अपने जीवन में कुछ अचीव करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इस प्रोत्साहन से वो आगे चल के और अच्छा काम करते हैं। तो इसमें समाज के हर स्तर के लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन इस सोशल कॉज के लिए है, अपने बिजनेस में है, और जिनसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया। इसीलिए मैं सब ऑर्गेनाइजर्स, सब जिनको ये अवार्ड मिले हैं, वो सब मान्यवरों का यहाँ पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ, और इससे अच्छा काम उनके हाथ से हो ऐसी शुभकामनाएं उनको देता हूँ। तो भाई कुछ ऐसी रही सितारों से सजी ये शानदार शाम, जिसमें लग गया अवार्ड्स का मेला। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।